आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। ग्वालियर महानगर में आज ग्वालियर के प्रसिद्ध सहयोग गार्डन तानसेन नगर में आज परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में परम आलय प्रेमी बहानी संगठन द्वारा आज एक दिवसीय सेंटू ह्यूमन फाउंडेशन में प्रशिक्षित 51 एंकर्स का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ग्वालियर के संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन एवं उनकी सपत्नी सहित वो उपस्थित हुए हैं, जहां पर उनका परमालय प्रेम वाहिनी की ओर से जानदार शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सहयोग गार्डन के संस्थापक मुख्य रूप से मौजूद रहे। उसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वरिष्ठ पत्रकार शंकर जैन एवं उनके भाई सहित पूरा परिवार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। उसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशिक्षित प्रेमी वाहनी के 51 एंकर्स को प्रमाण पत्र देकर एवं साल श्रीफल देकर परम पूज्य परमाला जी का आशीष प्रदान किया गया है। 51 एंकर्स को सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सहयोग गार्डन की, जहां पर आज परम पूज्य परम आलय प्रेमी वाहनी के द्वारा एक विशाल ऐतिहासिक कार्यक्रम को आज आगाज किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन एवं प्रांतीय संयोजक केपी संकवार, प्रांतीय समन्वयक बालक साहब, प्रांतीय प्रशिक्षक डॉक्टर अंश, संभागीय संयोजक राजपाल खुराना, प्रांतीय मार्गदर्शक इंजीनियर सुधीर गुप्ता की ऐतिहासिक उपस्थिति में यह भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस मौके पर आप सीधे चलते हैं, आपको इस कार्यक्रम में ले चलते हैं जहां पर 31 दिसंबर 2023 को सहयोग गार्डन में ऐतिहासिक कार्यक्रम को संपन्न किया गया। देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ। परम पूज्य परमाला जी का अनंत आशीष जो श्री फल के रूप में ग्वालियर तानसेन नगरी को भेंट किया गया था, मैं परमादरणीय संभाग से अनुरोध करूंगा वह श्री फल हमारी जी जो इस कार्यक्रम की मुख्य नायिका है और उनका सहयोग कर रही है बहन निर्मला शुक्ला जी, उनको भेंट कर इस कार्यक्रम का जी के आशीष के साथ जी के माता जी ने अनंत आशीष दिया है, विमल भैनी को अनंत आशीष दिया गया था, इसलिए आज उत्साह में ऊर्जा में आनंद में और खुशहाली में विश्वास है। प्रीति भैनी जिनका स्वागत कर रहे चैनल है हमारे बीच है जो आपको लाइव दिखा रही है आपकी जन अदालत नृत्य नृत्य है परमादरणीय राजा भैया और हमारे बीच आपकी जनअदालत नीति पर सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परम पूज्य परमाला जी के लिए समर्पित एवं परम आलय प्रेमी बहाने के लिए समर्पित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रातः बहन देवी प्रीति राय जी एवं बहन निर्मला शुक्ला जी द्वारा सुंदर साधना के साथ गर्मा मयपूर्ण साधना प्रस्तुति दी गई। देखिए खास रिपोर्ट यात्रा होती है, हमें तो केवल साधनों का उपयोग करना है उनको समझने के लिए, लेकिन कहाँ घूमते हैं हम, केवल बाहर ही देखते हैं, कहीं किसी से प्रतियोगिता कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, किसी का देख के करते हैं और दिखावा करते हैं, लेकिन हम स्वयं को कहाँ भूल जाते हैं कि मैं हूँ बस खुद आप स्वयं में स्थित होना है। हम सभी हृदय चंद्र के पास हाथों को जोड़े हैं, जो भी साधना के दौरान सिलाई व लाभ रस रोक के रखा है उसे इस भावना के साथ ग्रहण करें।
मैं कैसे शक्तिशाली हूँ। अपने मुखमंडल में तीन बार जीभ से रोटेट करते हुए नाभि तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस पवित्र जल को नाभि तक पहुँचाएंगे। जैसे ही नाभि तक ये जल पहुँचता है, शुद्धिकरण होता है हमारे पूरे शरीर का, और नाभि ब्रेन को मैसेज देती है, हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और हम स्वचालित हो जाते हैं। खुद का अनुभव है हमारा। दोनों हाथों को रख करते हुए आंखों की ऊर्जा से ही करेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए अपने नैनों को बोलेंगे। अब हम सूर नाड़ी की होती है, आप सबको बताऊं तो सात चरण में पहले देंगे। कैसे हमारी निर्मला बहन करके दिखाएंगे आपको, देखिए इस तरीके से हमें खोलना है। खोल सकेंगे आप सब लोग, तैयार हैं? तैयार हैं। वेरी गुड। बस हर सेल से एक्टिवेट होगी, जो भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का लेवल प्रचुर मात्रा में बढ़ेगा, आपका संतुलन होगा। जो भी व्यर्थ विचार आते हैं वो दिमाग में ही तो आते हैं आपके, तो आपकी व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचार, सोचने का काम कौन करता है? ये ब्रेन ही तो कर रहा है। इस ब्रेन को ही तो पावरफुल बनाना है, ऑक्सीजन से लबालब रखना है हमें। रोकते चलेंगे ब्रेन को, बहुत सुंदर रुक जाएंगे। इसके बाद हम अगले सात चरण होते हैं, इसके बाद हम अगले चरण में रिलीज करेंगे, खींचते जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, ताड़ासन करेंगे, धीरे धीरे सांस टूटने लगे तो नीचे की ओर आ जाएंगे हम। धीरे धीरे हम एक बार पुनः हम ऐसे ही इस क्रिया को एक साइड थमी रहे, आंखें खोल के रखेंगे हम और दृष्टि हमारी एक साइड थमी रहे, सभी ध्यान देंगे। लास्ट चरण होगा उग्रासन, तो हड्डासन करेंगे। इस बहुत अच्छा प्रयोग है ये गले के लिए भी, और हर सेल्स हमारे एक्टिवेट होने लगेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट करके कुर्सी की तरह ये रोलिंग क्रिया है, जो भी आपका गुस्सा है निकाल लीजिए। एक बार और, वेरी गुड। एक बार अभी मुड़ते मुड़े हो हमारी और हम बैठेंगे। आजकल लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं, वेस्टर्न लैट्रिन यूज कर रहे हैं, तो उनके घुटने खराब होने लगते हैं, इसलिए सिंपल देसी वेस्टर्न टॉयलेट यूज नहीं करना है। देसी अपने जीवन में भी उतार रहे हैं, लेकिन अकेला ब्रेकफास्ट लेकर जरूर जाएं। ये आप सभी के सामने हमारी बहन एक एक करके आपको चीज बताएंगी कि क्या क्या है इसमें, आप बताएंगी। सभी लोगों को प्रणाम, ये आपका ब्रेकफास्ट है जिसके बारे में भोजन के बाद हम छाछ का प्रयोग करेंगे। गुटका पानी है, जो हमको गुटका पानी रात में पीना पड़ता है, जब इसमें आयरन होता है, सुबह हम इसको पीते हैं तब अच्छा होता है, इसकी तासीर खत्म हो जाती है। जैसे ही हम रात प्रयोग करना है, गुड़ के पानी का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, और जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो गुड़ का प्रयोग ना करें। ये अलसी है, अलसी लेने से हमारे घुटनों की प्रॉब्लम जो होती है वो खत्म होती है, उससे ग्रीस पैदा हो जाता है, जो घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है अलसी। इसमें ओमेगा 3 फास्फोरस सभी रहते हैं, अलसी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए अच्छा होता है इसका। देखो ये पाइनएप्पल है, ये गुड़ से बना, उससे बनाया जाता है, पपीते से, इसमें गुड़ भी शामिल होता है और थोड़ा खोपरे का चूरा भी। अभी सब लोग पियेंगे, पर देखना इसका आनंद कितना लचीला पेय पदार्थ है ये। दिल्ली की चटनी है, जो हम लोग इसको लवड़ी कहते हैं, बहुत अच्छी होती है खाने में, आपके जो अंदर उनके हिसाब से वैसे ही घुटनों
प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। आयरन से भरपूर है, इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ये दिल्ली की रबड़ी, देखिए रबड़ी बनाई गई है बहुत सुंदर तरीके से, आप इसको खाना खाते रह जाएंगे। ये सूरजमुखी के बीज है, ये भी आपको डेली नाश्ते के साथ सुबह लेना है। विटामिन बी होता है इसमें, सूरजमुखी के बीज, इसको भी रात में भिगो कर रख दे आप आधी चम्मच, रात में भिगो कर रखे इन सभी को, और खाली पेट बिना नमक के आपको खाली पेट लेना है 8:30 से 10 के बीच में, इस ब्रेकफास्ट को लेना है आपको। घुटनों की प्रॉब्लम के लिए आपको बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, आप रात में भिगो कर रखिए और सुबह खाली पेट इन सब्जी को, इन सारी चीजों को थाली में सजा कर आप ले सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं, कितने एनर्जीफुल बन रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहती हम सब लोगों को, और बहुत अच्छे से घर रास्ते में कमल के फूल के समान बहुत सुंदर तरीके से निभा रहे हैं हम सभी। ये सौंफ है, सौंफ भी रात में भीगने के लिए रखी जाती है, उसके बाद हम धो लिया जाती है, क्योंकि सौंफ की ताजी वैसे तो ठंडी होती है लेकिन रात में भिगो देते हैं तो खाने योग्य सुबह बढ़िया हो जाती है, जो पेट के लिए भी अच्छी है और वैसे भी अच्छी होती है। लीवर के लिए, आंतों के लिए यूरिक एसिड होता है, जो भी आपकी जमा होता है, ये सौंफ रात में आधी चम्मच इसको भी भिगो कर रखना है, सुबह खाली पेट एक थाली में लगा कर इसको भी लेना है। कच्चा नारियल, हाँ ये आयरन से भरपूर होता है, खोपरा इसको बोलते हैं, एक कच्चा नारियल है, देखिए आप एक चुटक अपने नाश्ते में जरूर रखना है आपको, थाली में सजा कर और फिर इसको लेना है खाली पेट, इसको भी लेंगे हम सभी। आंवला है, हमारे कार्यकर्ता हमारे स्टॉल पर चले जाएंगे, क्योंकि चरण पादुका उतार रहे हैं, सभी लाइन से लगाएं चरण पादुका को, हुआ आपको मिनिमम 5 मुनक्का 5 बादाम रात में भिगो कर लेना है, ये जो भी उसकी प्रॉब्लम है डायबिटीज की वो मुनक्का नहीं लें और रात में भिगो कर देखें। देखो आपको बच्चों को भी यही नाश्ता देंगे तो आपकी अच्छी विकृति की जो चाहिए हमें उससे हमारी तृप्ति हो जाएगी, फिर बाहर की चीज़ की मांग नहीं रखेंगे वो, आप लीजिए इसको। एक खुरमानी है, रात में भिगो कर रख देंगे, आपको पता है ड्राई फ्रूट्स है ये बात ही उपयोगी, ये भी हमारे लिए ताकतवर होता है। ये अखरोट है, इसको भी रात में ब्रेन के लिए, ब्रेन मस्तिष्क को मजबूत रखता है, रात में भिगो कर रख देंगे और सुबह लिए खाली पेट इसको भी लेंगे। खजूर, ये पिंड खजूर है, आप सभी को पता है ये पिंड खजूर, और सारी आपकी सबसे टोटल बात तो ये है गृहस्थी की चीजें हैं सभी, आपको कहीं बाहर से नहीं लानी है जो गृहस्थी में उपयोग करते हैं। और ये लौकी, कच्ची लौकी इसको जरूर प्रयोग करें, इसमें बहुत विटामिन मिनरल्स होते हैं और इसमें 18 गुण होते हैं लौकी में, इसका खाली पेट, देखो ककड़ी जैसे खीरा खाते हैं ना काट के, ऐसे ही इसका टेस्ट लगता है, तो खाली पेट लेना है आप सभी को, देखेंगे आप कितनी बीमारियों से मात्र 21 दिन 18 दिन इन सबका उपयोग करेंगे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम दूर होगी आपकी, और जो भी सारी प्रॉब्लम्स है आपकी बीमारियां घर से भागने लगेंगी आपके अंदर से इन सबके प्रयोग से। और ये 5 प्रकार के फल लेना है आपको, देखो देवी माँ को मंदिर में जाते हैं 5 प्रकार के फल चढ़ा के आते हैं, वो 5 प्रकार के फिर अनार है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है और आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, ये सेव फल इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है ये भी, संतरा विटामिन सी की कमी से, सी से प्रचुर मात्रा भरपूर होता है इसका प्रयोग करेंगे। ये केला है, कैल्शियम के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। सीजन के अनुसार मौसमी फल लेना है आपको, 250 ग्राम फल अपने नाश्ते में शामिल करना है, ये सब जब हम लेते हैं इसके बीच में आपको नमक नहीं लेना है, और दोपहर को बढ़िया भरपूर तरीके से 3 घंटे का समय दीजिए, क्योंकि 3 घंटे पहले हम जो ढक्कन लगा होता है वो बंद रहता है, भोजन नाश्ता ले लिया हमने फिर वो ढक्कन बंद हो जाता है, बीच में कोई चीज़ डालेंगे तो फिर खोलेगा तो पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, इसलिए आपको सबसे पहले नाश्ता लेना है और 3 घंटे का गैप देना है, इसके बाद आपको दोपहर लेना है, और इन सब के बाद में हमें छाछ का प्रयोग करना है और पानी नहीं लेना है, जिसको कैपेसिटी के अनुसार पानी भी ले सकते हैं आप देखिए हमारी बीमारियां दूर हुई तो आपकी भी बीमारियां दूर होगी, और सारा रसोई का है। कोई भी खाना लेगा, ना नाश्ता लेगा, ना छाछ पिएगा,
करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पल मेरे लिए हमेशा यादगार बने रहेंगे। आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ प्यार से सब लोग आशीर्वाद बनाए रखना। संस्था के लिए किया होगा, मानव सेवा के लिए किया होगा, ऐसे हमारे राजन जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम में अधूरापन है, क्योंकि इस पूरे आधारशिला का जो हमारे राधा राजन जी है उनका सम्मान शायद रह गया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, राजन जी का सम्मान थोड़ी देर बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां। और राजन भाई साहब, निश्चित मान लें कि आपके किसी भी कार्यक्रम को भले ही वो 100 आदमी का हो, 200 आदमी में हो, लेकिन हजारों लाखों तक पहुंचाने का कार्य जो मैं करता हूं उसमें और कोशिश ज्यादा करूंगा। क्योंकि आप जो सम्मान कर देते हैं, सम्मान करके जो कंधों पर और वजन ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, आपका जो भी कार्य होगा कोशिश करूंगा पूरा अच्छे से अच्छा करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई ललित जैन जी। माले प्रेमी बहानी की ओर से आयोजित इस एंकर सम्मान समारोह में आज मंत्र राजमान महाराज जी, राजन चाचा जी, ललित जी रहे तभी वो सारी चीजें कर सकता है। चाहे वो सेवा का काम हो, चाहे धर्म का काम हो, चाहे सहयोग का काम हो, बिना स्वस्थ शरीर के नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ हमारे बाल भवन में, मैं जहाँ रह रहा हूँ उसके पीछे जस्ट चाचा जी ग्रुप को संचालित करते हैं। मैं बॉक पे जाता हूँ जीवन यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी ये ग्रुप निरंतर, और चाहे पानी गिरे, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, वो ग्रुप निरंतर समय पे आता है, समय पे सारी चीज करता है, सारा योगा करता है, खुशियाँ मनाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने आयोजन को करता है। तो निश्चित तौर पर जैसा महाराज जी ने कहा है कि सेवा सबसे बड़ी, सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दुनिया में दूसरों की सेवा से बड़ा, दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। प्राणी मात्र जिसमें ईश्वर का अंश वास करता है, चाहे वो किसी तरह का जीव हो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सभी जीवों में ईश्वर का वास है, और उस जीव, उसकी आत्मा में ईश्वर का वास है। और अगर उसकी आत्मा को हम कष्ट पहुंचाते हैं तो वो कष्ट सीधा हम ईश्वर को पहुंचाते हैं, और ईश्वर को कष्ट पहुँचाना माने आप अपने आप को दंड का भागी बना लेते हैं। ये ग्रुप बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, खुद तो प्रसन्न रहता ही है, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए सजग तत्पर रहता है। मैं पुनः इस पूरे ग्रुप को, पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मैं ग्वालियर में हूं, जहां पर सहयोगी गार्डन में आज परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में आज योग साधना शिविर का आयोजन किया गया। और इस मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में ग्वालियर की ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। आज जो एंकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में और संरक्षक इंजीनियर राजन जैन जी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा आयोजन रहा। परमालय सेवा वाहिनी जो है, प्रेमी वाहिनी जो निरंतर कैंप लगाकर लोगों को में सेवा की भावना जगाता है, स्वयं को तो स्वस्थ रखना ही है अच्छे भोजन, अच्छे योग और अच्छे चर्या के माध्यम से, लेकिन दूसरों को सहयोग करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, ये बहुत कम संगठनों में होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो संगठन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप सुबह से देखिए गार्डन में सुबह से लोग इकट्ठे होते हैं, कितना प्रसन्न तरीके से योगा करते हैं, प्रसन्न तरीके से जो है खुशी जो है अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसके बाद साल भर जो एंकर्स होते हैं वो काम करते हैं, तो उनमें एक मोटिवेशन हो, उसके लिए इस तरह की सम्मान समारोह आयोजित निश्चित तौर पर होना चाहिए। उन्हें भी लगे कि हम जो कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि सामान्यतः आदमी सोचता है कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसकी कोई वैल्यू तो होना चाहिए, लोग उसको जाने, उसको पहचाने। तो जब ऐसे मंच से सम्मान होता है तो उनको मोटिवेशन मिलता है, और वो जितना खुद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं और लोगों की सेवा में अपने आप को तत्पर रखते हैं।
आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग मानसिक डिप्रेशन में जी रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में ये जो आयाम जो चल रहा है प्रेम वाहिनी के द्वारा कैसे साकार कर सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है कि इस भौतिकवादी जिंदगी में समय में से महाराज जी भी आपको सुना बोल रहे थे कि सब चीज़ें झूठी हैं, ईश्वर एकमात्र सत्य है। और ईश्वर को हम कई रूपों में देख सकते हैं, एक रूप नहीं है, कई रूप हैं। तो निश्चित तौर पर इस भागदौड़ की ज़िंदगी में यदि अपने लिए आप समय नहीं निकल पाते हैं, दूसरों के लिए समय नहीं निकल पाते हैं, तो आपकी सारी जो दौलत है, सारी जो मेहनत है, सारी जो आपके कर्म हैं वो बेकार हैं, कोई मतलब के नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ये संगठन सभी आयामों को लेकर के और जो है काम कर रहा है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। बिल्कुल, तो आज पूरा ग्वालियर आपको देख रहा है, आप चाहेंगे कि जो भी साधक हैं, आप भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, आपकी तरह सारे अधिकारी कर्मचारी और इस शिविर से जुड़े? नहीं, निश्चित तौर पर इससे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, शहर के बहुत प्रतिष्ठित गणमान्य लोग भी जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरे जुड़ने का सवाल है, मैंने एक दो शिविर अटेंड भी किए हैं, लेकिन मेरा शेड्यूल कुछ और रहता है, और ये जो शेड्यूल है, इनका जो शेड्यूल है, बिल्कुल फिक्स शेड्यूल है। मैं अगर वो 6:30 बजे पहुँचते हैं तो बिल्कुल पहुँचते ही हैं, जबकि हमारे लिए हमारे हिसाब से थोड़ा सा हमारा शेड्यूल इसके साथ मैच नहीं होता है। बाकी मैं भी नियमित तौर पर वॉक करने वाला आदमी, 7 किलोमीटर पर डे वॉक करता हूँ, 7 से 8 किलोमीटर, तो मैं भी नियमित अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता हूँ। और ये निश्चित तौर पर इससे जो भी जुड़ेगा वो सौभाग्यशाली होगा। 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं, नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया है कि इस वर्तमान समय में आदमी की जो लाइफ स्टाइल है, और ख़ासतौर से यंग जनरेशन की जो लाइफ स्टाइल है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत सही नहीं है। ना उनके सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना खाने का समय है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, और योगा और जो ध्यान, इन चीज़ों से तो वो बहुत दूर हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ये चाहना है सभी यंग जनरेशन से कि वो अगर अपने भविष्य को सुखद करना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो सभी काम करें, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम 2 घंटे अपने अपने शरीर को भी दें, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति 2 घंटे अपने शरीर के लिए नहीं दे सकता, स्वास्थ्य के लिए नहीं दे सकता, अपने जीवन के लिए खुद पे खर्च नहीं कर सकता, उसको मर जाना चाहिए। मेरा ऐसा किसी ने कहा है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बिल्कुल सही कहा है कि जो व्यक्ति, भाई जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी तो दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे ना। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि ये पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, आपने देखा होगा, बिल्कुल सूर्योदय के पूर्व उनकी दिनचर्या शुरू जाती थी, उठना, ध्यान करना, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजन पाठ ध्यान, फिर अपने कर्म को करना। तो सूर्योदय के पूर्व उठना और सूर्योदय 10 बजे तक सो जाना, ये अगर दिनचर्या हमारे यंग जनरेशन अपनाएगी तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा। बिल्कुल, तो आज आपने ग्वालियर के संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन साहब को सुना, जो उन्होंने बताया है कि 2024 में क्या संकल्प लेना होगा, तभी हमारा जीवन ऊंचाइयों को छुएगा। जुड़े रहिए आपके जनता दल के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। थैंक यू, थैंक यू। तानसेन नगरी में, ग्वालियर नगरी में पहला कार्यक्रम है, और ये पहली प्रयोगशाला है, एंकर्स की प्रयोगशाला, जो हमारे इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने स्थापित की है, जो संस्थापक है। किसी भी कहीं पर भी चले जाइए, आप कहीं एंकर्स तैयार होने की प्रयोगशाला नहीं है, यह प्रयोगशाला इन्होंने सहयोग गार्डन। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।